हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम एक नया ब्रेकफास्ट लेकर आपके पास आए हैं। मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, ऑलिव ऑयल डाला है। उसमें मैं एक चम्मच ये मस्टर्ड सीड्स डाल दूंगी, साथ ही साथ हम इसमें ये कटा हुआ प्याज डाल देंगे। मैं ये रात को ही तैयार करके रख लेती हूँ, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। दो प्याज मैंने काट लिए हैं, इसको हम भूनेंगे, चलाएंगे और जब तक ये प्याज भुन रहा है तब तक हम दिखाते हैं आपको एक और तैयारी। ये देखिए, मैंने ना ये ड्राई ढोकला जो आता है ना, नमकीन वाला, वो बनाया था। मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो ये मैं इसको ना ऐसे क्यूब्स में कट कर दूंगी, छोटी छोटी क्यूब्स में, ठीक है, इस तरह की क्यूब्स में हम इसको कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद आपसे मिलती हूँ। और देखिए, ये ना कल बनाकर मैंने फिर फ्रिज में रख लिया था, यानी कुछ छोंक दिया था, कुछ बच गया था। तो ये बहुत आसानी से देखिए टूट भी नहीं रहा है, सॉफ्ट भी है। तो ये इस तरह से जब भी आपको लगे कि कुछ नया बनाना है, ढोकले को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, तो मुझे लगा कि ये मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने सारे क्यूब्स कट कर लिए हैं, देखिए। और कुछ सब्जियां हैं जो मैंने कट करके रखी हैं। और ऑयल यहाँ आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं। ये गाजर है, ये मैं गाजर इसमें डाल रही हूँ। इसको थोड़ा, आजकल की गाजर ना थोड़ा सख्त आती है, तो इसको सौते करने में टाइम लगेगा, अदरवाइज हमें सारी सब्जियां ना क्रंची ही रखनी है। तो हम गाजर डाल देंगे इसमें, खूब सारी सब्जियों के साथ ये बनाएंगे हम। इसके साथ ही ना अब हम इसमें कटी बीन्स डाल देंगे, क्योंकि बीन्स को भी थोड़ा टाइम लगता है। सब्जियां मैं आपको फिर बता रही हूं, आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं। इनको भी हम सौते करेंगे थोड़ी देर। आधा आधा कप के करीब मैंने ली है चॉप्ड, क्योंकि मैं सब्जियां इसमें ज्यादा यूज कर रही हूं, तो ऐसे ही आप भी यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी मैं डालूंगी इसमें ये कटी हुई हरी मिर्च। मैं ना सब्जियां रात को काट के ना फ्रेश रैप में पैक करके रख देती हूँ, तो आपका ना सुबह ब्रेकफास्ट बनाते हुए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। तो ये है शिमला मिर्च, कैप्सिकम कटी हुई, थोड़ी सी हम इसको डाल देते हैं। सब्जियां जितनी ज्यादा होंगी ना उतना हेल्दी रहेगा, खाने में अच्छा रहेगा। आजकल बहुत कहते हैं, सभी लोग कहते हैं कि सब्जियां जो हैं ज्यादा से ज्यादा खाएं, तो इनको इसलिए हम बहुत ज्यादा नहीं उबालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि ढोकले में भी नमक है, और थोड़ा डालेंगे ये चंकी चाट मसाला। बहुत ज्यादा और कोई मसाले हमें नहीं डालने हैं, क्योंकि उसका सब्जियों का फ्लेवर है और आपके ढोकले में भी एक फ्लेवर है। तो ये देखिए सब्जियां हमारी हो गई हैं तैयार। अब डालेंगे हम ये ढोकले के पीसेस। इनको मिक्स करेंगे अच्छे से। और ये देखिए क्या बढ़िया ये नाश्ता तैयार है आपका। स्नैक्स में खाइए, नाश्ते में खाइए, बिल्कुल भी सूखा नहीं लगेगा। आप चाहें तो पानी का थोड़ा छींटा दे सकते हैं, बाकी ऐसी कोई जरूरत नहीं है। और अब हम डालेंगे इसमें ये फ्रेश कटा हुआ धनिया, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी आने वाली है। और ये देखिए फ्रेंड्स, करते हैं इसकी प्लेटिंग, बहुत ही बढ़िया। और ये देखिए यम्मी सा नाश्ता ये हमारा, हरी चटनी के साथ खाइए, बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही बढ़िया। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।